युवक। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो युवक। मुझे मेरा नाम श्रवण है, श्रवण कुमार। सुंदर है श्रवण, मुझे प्यास लगी है। क्या बात है मुनि श्रेष्ठ? आपके वस्त्र तो आपका परिचय देते हैं, परंतु आपके शस्त्रों से आपका परिचय समझ में नहीं आता। तुम मुझे मेरे वस्त्र देखकर मुनि कह रहे हो, परंतु मेरा ये धनुष, मेरा परशु, ये तो मुझे मुनि सिद्ध नहीं करते। उच्च कुल का तो सिद्ध करते हैं। उच्च कुल? मेरा कर्म जाने बिना ही केवल मुझे देखकर ही तुमने मुझे उच्च कुल का सिद्ध कर दिया। आप अवश्य किसी श्रेष्ठ ऋषि की संतान है, परंतु मैं एक वैश्य मुनि और छोटी जाति की माता की संतान हूं। श्रवण, तुम्हें अपनी माता को छोटी जाति का कहते हुए लज्जा आनी चाहिए। माता तो माता होती है, जो पूजनीय होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है। श्रवण, जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं। जन्मना जायते शूद्राः संस्कारात् विजोच्यते। क्षमा करें, मैं तो आपका विचार करके कह रहा था। मेरे हाथों से जल लेकर श्रवण, वायु हर श्रेणी के व्यक्ति को छू कर आती है, और हर श्रेणी के लोग उसी वायु से अपनी श्वास भर लेते हैं, शीतलता प्राप्त करते हैं। सूर्य की किरणें भी सभी के लिए समान होती हैं। श्रवण, मेरा अर्थ समझ रहे हो ना? लाओ मुझे जल दो, मैं बहुत प्यासा हूं। सुखी रहो। हे बुनिवर, आप मुझे अपना परिचय दें, बड़ी कृपा होगी, क्योंकि आज से आप मेरे आदर्श हैं। श्रवण, मैं ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका का पुत्र परशुराम हूं। जन्म से तो ब्राह्मण हूं, किंतु कर्म से मुझे क्षत्रिय बनना पड़ा। भगवान परशुराम, अहो भाग्य मेरे जो मुझे आपके दर्शन हुए। एक दिन स्वयं चलकर मेरे पास आ गया। मैं तुम्हारा तात्पर्य नहीं समझा। मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थों की यात्रा कराने निकला हूं। वो जो बैठे हैं मेरे माता पिता हैं। परंतु मुझे वहां कोई रथ या अन्य वाहन दिखाई नहीं दे रहा है। श्रवण, जिसमें मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूं, मेरे पास रथ आदि साधन नहीं है, किंतु माता पिता की इच्छा को पूरा करना हर संतान का धर्म भी है एवं कर्तव्य भी। इसलिए इन दोनों को कांधों पर उठाए तीर्थों की यात्रा करने निकला हूं। श्रवण कुमार, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम्हारे दर्शन करने के उपरांत अपने माता पिता का परम भक्त होने का मेरा अहंकार तो चूर चूर हो गया। मुझे अपने चरण स्पर्श कर। नहीं 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 नहीं, आप मुझे पाप का भागी ना बनाए। आपका यश तो पूरे संसार में सूर्य किरण की भांति फैल चुका है। अब चलिए, चलकर मेरे माता पिता को दर्शन देकर धन्य कीजिए। श्रवण, मैं भी उन माता पिता का दर्शन करके धन्य होना चाहता हूं, जिन्होंने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया। चलो चलिए। माता पिताश्री, भगवान परशुराम पधारे हैं। हमारे धन्य भाग्य। हे भगवान परशुराम, हमें अपने चरण छूने दीजिए। नहीं माता, चरण स्पर्श तो मुझे आपके करने चाहिए। हे माता, मैं आपके पुत्र से मिलकर धन्य हो गया। आपके स्पर्श मात्र से हमें मोक्ष मिल गया। नहीं माता,
आपके दर्शनों से मुझे सन्यास प्राप्त हो गया। इस संसार में इससे अच्छा दृश्य और कोई हो ही नहीं सकता कि एक पुत्र के कंधों पर माता पिता तीर्थ यात्रा कर लें। माता, अब मुझे विदा दीजिए, मुझे महाराज जनक के पास पहुंचना है। श्रवण, मैं हृदय से कामना करता हूं और आशीष भी देता हूं कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक पुत्र धर्म की मर्यादा रहेगी, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। सरयू पार कर ली। आइए माताश्री। हाँ। ध्यान से। इस ओर। बैठ जाइए। पिताश्री, यहां बैठ जाइए। बस तनिक ही दूरी पर राजा दशरथ की अयोध्या नगरी है। वहां पहुंचने पर तुम्हें स्थान स्थान पर कुटियाएं बनी हुई मिलेंगी। ये कुटियाएं महाराज दशरथ ने यात्रियों की सुविधा के लिए बनवाई हैं। बड़े ही उदार और दयालु हैं हमारे राजा दशरथ। उनके राज में प्रजा बहुत ही प्रसन्न है। चारों ओर न्याय का बोलबाला है, शांति है, समृद्धि है। आप लोगों को वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हमें सरयू पार कराई। माते, सत्तू दे दो। ये ले पुत्र। मेरे पास कुछ और तो है नहीं, थोड़ा सत्तू है, इसे रख लो। नहीं भाई, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे कुछ नहीं ले सकता। क्यों? आपने हमें सरयू पार कराई है ना? वो तो ठीक है, पर यदि मेरे पिता ने सुन लिया कि मैंने श्रवण कुमार से कुछ लिया है तो वे मुझ पर बहुत क्रोधित होंगे। अरे, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने तो आपको बताया नहीं था। फूल की सुगंध दूर से ही अपनी पहचान करा देती है। तुम जहाँ भी जाते हो, तुम्हारी ख्याति तुमसे पहले पहुँच जाती है। सारा विश्व जानता है कि श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा पर निकला है। मैं तुमको देखते ही पहचान गया था। तुम धन्य हो श्रवण, ईश्वर तुम जैसा सबको पुत्र दे। मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा। धन्यवाद बंधु, ये सत्य तो मैं आपको दे रहा हूं ना, आपने तो मुझसे नहीं मांगा। मेरी नैया में तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे चरणों की धूल रह गई है। ये धूल सोने चांदी से भी अधिक मूल्यवान है। मेरी काठ की नैया पावन हो गई है। आज के दिन को मैं सदैव स्मरण रखूंगा। मैं आपका आभार कैसे प्रकट करूं? भगवान आपको सुखी रखे। चलिए माताश्री। हाँ। संभल के। इस ओर।
बैठ जाइए, संभल कर। माताश्री सत्तू रख लीजिए। चलिए पिताश्री, संभल कर। इस ओर बैठ जाइए, संभल कर। चरण स्पर्श करता हूं माताश्री। जुग जुग जियो बेटा। चरण स्पर्श करता हूं पिताश्री। चरणजीवी भव पुत्र, जो तीर्थ यात्रियों पर कृपा करते हैं वह भी तीर्थ के पुण्य के भागी हो जाते हैं। मैं आप लोगों के दर्शन पाकर धन्य हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण धन्य हो, तुम धन्य हो। बड़ी सुंदर कुटिया है। चलिए माताश्री भीतर चलते हैं। अच्छा पुत्र, संभल कर। संभल कर, यहां ऊंचाई है। आइए बैठ जाइए यहां पर। संभल कर पिताश्री, मुझे दे दीजिए। संभल कर, यहां ऊंचाई है। आइए आइए। यहां पर बैठ जाए, संभल कर। अरे यहां तो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। पुत्र, हमारा रोम रोम तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। भगवान हमारे भाग्य में नेत्रों का सुख भी लिखता तो हमको ये आनंद ना मिलता जो तुम जैसा पुत्र पाकर मिला है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। मुझे पूरे संसार का धनकोश मिल भी जाता तो भी वो संतोष नहीं मिल सकता था जो आप दोनों की सेवा करने से मिला है। भगवान आप दोनों को सदा जीवित रखे और मैं इसी प्रकार आप लोगों की सेवा करता रहूं। और तो सारे तीर्थ हो गए पुत्र, बस काशी बाकी रह गया है। शिव की काशी के दर्शन हो जाएं तो हम धन्य हो जाएंगे।
बस एक दिन विश्राम करके हम लोग कल ही चल देंगे। पुत्र गला सूख रहा है, थोड़ा जल ले आते। मैं अभी लेके आता हूँ। हम कितने भाग्यवान हैं देवी कि हमें श्रवण जैसा अनमोल रत्न मिला है जिसकी चमक से सारा विश्व चमचमा रहा है। मैं सदैव ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी आयु भी उसे लगे। ये राजा दशरथ अपनी प्रजा का कितना ध्यान रखते हैं, है ना? तीर्थ यात्रियों के लिए कितनी सुंदर कुटिया बनाई हैं। उनको तीर्थ यात्रा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैंने किसको हानि पहुंचाई थी? मैंने तो आज तक किसी के साथ ऊंचे स्वर में बात भी नहीं की। हे भगवान, क्षमा क्षमा कर दो युवक, क्षमा कर दो। मैंने तो मृग समझकर वाण चलाया था। मुझे क्या पता था कि मेरा वाण मृग को नहीं एक कोमल हृदय को अपना आखेट बना लेगा। मुझसे अनर्थ हो गया युवक। अब पश्चाताप से क्या होगा? आप केवल यह बता दीजिए कि आप कौन हैं? मैं अभागा अयोध्या का राजा दशरथ हूं। मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गया, धन्य हो गया राजन। हे महाराज, मेरी आपसे एक विनती है। कहो वत्स। विनती नहीं, आदेश करो, आदेश करो। मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल है। मैं उन्हीं के लिए जल लेने आया था। उस जल पात्र में जल भर चुका था। आप जल पात्र ले जाकर मेरे माता पिता की
प्यास बुझा दीजिए, विलंब हुआ तो वो प्यास से मर जाएंगे। अभी जाता हूं वत्स, अभी जाता हूं। नहीं जानता कि उनका सामना कैसे कर पाऊंगा। तुम्हें निराश नहीं करूंगा। राजन, राजन कौवत, आप राजा हैं, आपके पास साधनों की कमी नहीं है। मैं ये मेरे अंतिम क्षण है। माता पिता की सेवा करने का मेरा संकल्प मन का मन में रह गया। एक मरते हुए पुत्र की एक और विनती मान लीजिए। कहो कहो। मेरे माता पिता का कोई आश्रय नहीं है, वो भटकते रह जाएंगे। हे राजन, कृपा करके उन्हें आश्रय प्रदान कीजिएगा। अवश्य वत्स। मेरे अतिरिक्त वृद्धावस्था में उन्हें कोई और लाठी भी उपलब्ध नहीं है। हे राजन, उनके जीविकोपार्जन का प्रबंध अवश्य। वत्स, वत्स। जीवन में पहली बार मुझे अपने आप से घृणा हो रही है। बहुत देर हो गई, श्रवण अभी तक जल लेकर नहीं लौटा, जाने कहां रह गया। मैंने किसी की चीत्कार सुनी थी, ईश्वर करे सब कुशल हो। मत करो ऐसी अशुभ बातें, वन यहां से दूर है इसीलिए किसी वंचर के आक्रमण का भय नहीं। और फिर राजा दशरथ की अयोध्या के लिए तो सुना है कि लोग अपने घरों के किवाड़ बंद नहीं करते, सो चोर और लुटेरों का भय भी नहीं। तुम्हें किसी चीत्कार का भ्रम हुआ होगा, हमारा पुत्र बस आता ही होगा। आ गया मेरा पुत्र। कहां रह गए थे पुत्र, हम तो व्याकुल हो उठे थे। तुम जानते हो क्षण भर के लिए भी तुम हमसे दूर हो जाते, हम व्याकुल हो जाते हैं। मेरा प्यास से कंठ सूख रहा है, चल लाए हो ना। बोलते क्यों नहीं पुत्र, क्या बात है। पुत्र तुम ठीक तो हो ना। प्रिय श्रवण, तुम जानते हो कि हम नेत्रहीनों के लिए तुम्हारी वाणी ही मार्ग का दिया भी है और लाठी भी। तुम्हारी वाणी सुनकर तो हम मार्ग पर चल पाते हैं। तुम चुप हो जाओगे
तो हम दोनों तो भटक कर रह जाएंगे। हम अंधों से क्या भूल हो गई पुत्र, जो हमसे रूठ कर चुप हो गए। देवी, जाने क्या बात है जो मेरा पुत्र मौन हो गया है। अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं देखता हूं क्या बात है। कौन हो तुम कौन हो? मैं आपका अपराधी। ये कौन है जो स्वयं को अपराधी कह रहा है? देवी, मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूं। राजा दशरथ? राजा दशरथ हमारे अहोभाग्य, किंतु हमारा श्रवण नहीं आया, वो हमारे लिए जल लेने गया था। जल तो मैं आपके लिए ले आया। और हमारा पुत्र श्रवण? उसे मैं नहीं ला सका। क्यों, कहाँ है वो? आपका पुत्र पशु के धोखे में मेरे बाण से। नहीं, नहीं, नहीं। तूने मेरे पुत्र को मार दिया। तुमने मेरे पुत्र को पशु की भांति मार दिया। नहीं देवी, पशु की भांति नहीं, पशु के धोखे में। सरयू तट पर मैंने एक ध्वनि सुनी और बिना सोचे समझे शब्द भेदी वाण चला दिया और आपका हाय मेरा श्रवण, हाय मेरा पुत्र, हाय पुत्र, तू हमें भटकने के लिए छोड़कर कहां चला गया? हम दोनों नेत्रहीन कैसे जिएंगे, किसके सहारे जिएंगे, किसके सहारे जिएंगे हम दोनों? हाय श्रवण, जब हम जीते थे तू हमें अपने कंधे पर लिए फिरता था, अब हम मर भी जाएंगे तो हमें कंधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? नेत्र नहीं दिए थे तो कान भी न दिए होते, श्रवण को देख नहीं पाए तो मरने का समाचार भी न सुनते। हम अंधों का संसार उजाड़ कर क्या मिला तुम्हें राजा दशरथ, क्या मिला, क्या मिला? हमने तो सुना था कि तुम बड़े न्यायी हो, बड़े प्रजापालिक हो, फिर तुमने हमारा पुत्र हमसे क्यों छीन लिया? अब हमें काशी कौन ले जाएगा? मैं ले जाऊंगा आप दोनों को काशी, आपके पुत्र की बात। अरे जब पुत्र ही नहीं रहा तो काशी जाकर क्या करेंगे? मैं आपका अपराधी हूँ, अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, आप जो चाहे दंड दे मुझे। अरे दंड देने से क्या होगा, तुमने तो हमें जीते जी मार दिया, दंड देने से हमारा पुत्र वापस तो नहीं मिल जाएगा ना? दंड तो हम नहीं देंगे, पर श्राप देकर अपना कलेजा अवश्य ठंडा करेंगे। नहीं, हे दशरथ, जिस प्रकार तुमने हमारे बुढ़ापे की लाठी छीन कर हमें दुख दिया है,
उसी प्रकार एक दिन तुम भी अपने पुत्र वियोग में तड़पोगे, पुत्र वियोग में तड़पोगे, तुम भी इसी प्रकार पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। हमारी माटी तुम्हारा पुत्र भी छीन जाएगा। मेरी बात तो सुनो, अब क्या सुनना है और क्या कहना है? जो नहीं सुनना चाहिए था हमने वो सुन लिया, और जो नहीं कहना चाहिए था हमने वो कह दिया। स्वामी, स्वामी, नहीं।